महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। महिला की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और महिला के परिवार में कोहराम छा गया। महिला की मौत के बाद महिला के दो बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के दुरई गांव से सामने आया, जहां कुसमी देवी नाम की 22 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ शव घर के पिछले हिस्से में पड़ा हुआ मिला। खून से लथपथ देख महिला के बच्चों ने स्थानीय लोगों को और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर सनसनीखेज हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुट गई है। कुसमी देवी की मौत के बाद ग्रामीणों में हत्या को लेकर कई तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही। कुसमी देवी का पति जगत परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में रहकर लगभग 2 सालों से कमा रहा है। कुसमी अपने बच्चों को साथ में रखकर अपने गांव में रहकर परिवार को पाल रही थी। आज सुबह ही घर के पिछले हिस्से में खून से लथपथ शव देखकर बच्चों में हड़कंप मच गया और रोते बिलखते बच्चों ने बाहर निकलकर पड़ोसियों को दास्तान बताई, जिसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और शव को संदिग्ध परिस्थितियों में देखकर तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की माने तो महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है। इस निर्मम हत्या के पीछे की वजह फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन ग्रामीण भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी देते हुए एसपी गणेश शाह ने बताया है कि महिला की हत्या के बाद घटना स्थल में भारी पुलिस बल भेजा गया है। मैंने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मामले की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के माध्यम से कुछ सबूत मौके पर मिले हुए हैं। शव को कब्जे में ले लिया गया। शव को पीएम के लिए भी भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह और स्पष्ट हो पाएगी। मामले की अभी जांच चल रही है। इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? महेश। कौन से गांव के रहने वाले हैं? राम दुरई माफी। आपके यहाँ क्या घटना हुई है? किसी ने हमारी बहू का मर्डर कर दिया रात में, ये पता नहीं 13 तारीख को कितने बजे किया। अब सुबह हमें 8 बजे खबर मिली है। क्या आप लोग घर में मौजूद नहीं थे? नहीं साहब, हम पुराण में रहते हैं, चाय समोसा की दुकान थी। तो आपकी बहू गांव में रहती थी कि आपके साथ में रहती थी? नहीं, गांव में अकेले घर में रहती थी। घर में रहती थी। तो क्या आप लोग यहाँ नहीं आते थे? आते थे, 2-3 दिन में आते थे, उसको चाय, उसको खाना पानी दे जाते थे। खाना पानी। और लड़का आपका कहाँ रहता है? लड़का साहब दिल्ली में है। दिल्ली में है। आपको जानकारी किसने दिया? हमारे बड़े भाई ने सवेरे खुद जा करके एक मोटरसाइकिल से पहुंचा है कि दुकान बंद करो, तब मैं आया हूँ वहाँ से। क्या नाम है आपका? कुंता। कुंता। कौन से गांव के हैं आप लोग? दुरई माफी। दुरई माफी। आपके यहाँ घटना हुई है, कैसी घटना है और कैसे हुई है? अब रात में ही भाई है, रात में जब तीरा जी को करके चला गया, हम नहीं जाने कुछ। कब जानकारी हुई है आपको? सुबह पहर जब लड़की रोत रही है 8 बजे, जय बिटिया खूब रोई है, तय हम जाना है। जब जगावत रहन की लेह पारी है, कहे लड़की रो रही है, नहीं जागी नहीं बोली। कितने महीने की बच्ची है आपकी? 3 महीना तक की है। मृतक आपकी कौन है? बहू। हाँ। कब शादी हुई थी? दूसरा साल है। जी सर, एक घटना हुई है, इसके बारे में। देखिए, एक बिसंडा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला जो बच्चे के साथ रहती थी, आसपास के उसके परिवार जन भी हैं, रहते थे, इसकी डेड बॉडी मिली है और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में एफएसएल की टीम आए, डॉग स्क्वाड आए हैं। हम जो मृत्यु है महिला की, मृत्यु का कारण ढूंढ रहे हैं और हमें कुछ लीड भी मिली है, उस पैटर्न पर हम आगे चल रहे हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मतलब जो यहाँ से उपलब्ध हो पाए हों उसके बारे में जो जानकारी है, जो भी साक्ष्य हैं, बहुत टुकड़े टुकड़े में जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। इस स्टेज में कुछ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जल्द ही हम इस जो भी घटना है इसके सच्चाई सामने लाएंगे और घटना का खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद।